15 साल डिंपू आजमा चुके हैं और अब आजमाने की जरूरत नहीं। उक्त बातें शुक्रवार को भभुआ के हवाई अड्डे मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने कही। उन्होंने चुनावी सभा में एनडीए और महागठबंधन पर जमकर हमला बोला और कहा कि जब दोनों गठबंधन 15-15 साल थे तब नौकरी नहीं दिए और अब चुनाव में बोलते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे तो कोई बोलता है कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। इन्हें पहले किसी ने रोका था जब सत्ता में थे। मायावती ने AIMIM का नहीं दिया नाम। मायावती ने भभुआ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे बिहार की जनता को आह्वान करती हूं कि हमारे नए गठबंधन को जिताए और सरकार बनाए जिसमें बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी और रालोसपा का चुनाव चिन्ह सीलिंग पंखा समेत गठबंधन में अन्य पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर प्रत्याशियों को जिताए और गठबंधन की जीत होने पर गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री होंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि मायावती भावी PM है जिनको देश का नेतृत्व करना है। उन्होंने BJP पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में भी UP की तरह पिछड़े के नाम पर गिरधारी को CM बनाने की साजिश चल रही है। जैसे यूपी में आगरा पिछला दलित का वोट ले लिया गया और किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का संकेत देकर भगवाधारी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उन्होंने राजद कांग्रेस के महागठबंधन पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अपहरण का उद्योग धंधा नहीं खुलना चाहिए। इस नए गठबंधन की सरकार बन जाती है अर्थात यदि ऐसा हो जाता है तो फिर गठबंधन की ओर से यहाँ बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को ही बनाया जाएगा जो ये अति पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तथा सरकार चलाने के लिए ये पूरे तौर से काबिल व सक्षम भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर ये जब आप उस वक्त बगल का प्रदेश से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने पिछड़ा समाज के एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और संकेत दिया चारों तरफ से सभी नेताओं ने कि अगर सरकार बनेगी तो वही व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जैसे ही बहुमत आया पुरानी जो उनकी कोशिश थी या जो उनका संकेत था उसको भूल गए और कहां से एक गिरुआ वस्त्रधारी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना लिया। भाई और बहनों बिहार के लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है। BJP अपना एजेंडा अंदर से चलाती है धीरे धीरे अपने एजेंडा को बाहर लाती है। इस बार नीतीश कुमार जी के साथ क्या रवैया है भारतीय जनता पार्टी का सब लोगों को मालूम है। कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि किसी तरह से अगड़ा पिछड़ा सबको जोड़कर बहुमत ले लो और उत्तर प्रदेश की तरह किसी भगवाधारी को बिहार का भी मुख्यमंत्री बना दो। भाइयों और बहनों सचेत रहिएगा और सचेत सिर्फ इतना ही नहीं रहना है उनकी जो यह कोशिश है उस कोशिश को रोकने के लिए दो तरफा सचेत रहने की जरूरत हो। बिहार में और भी गठबंधन के लोग हैं जो दावा करते हैं कि उनको हटाएंगे या दावा करते हैं और फिर अपने आने की बात करते हैं। मित्रों आप सब लोगों ने उनको देखा है परखा है भले उनकी ओर से कोशिश चल रही है लेकिन मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ उद्योग धंधा बिहार में खुलना चाहिए हर तरह से सभी तरह का उद्योग धंधा खुलना चाहिए लेकिन अपहरण का उद्योग नहीं खुलना चाहिए। याद कीजिए उस समय का 15 साल किस स्थिति में बिहार चल रहा था चारों तरफ से परेशान।